सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जिन की एक डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कहानी और आवाज़ आपको पसंद आएगी। अगर आपको कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी और आवाज़ कैसी लगी। तो चलिए, अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि जिन की एक डरावनी कहानी अब शुरू हो रही है। फातिमा रात के वक्त अपने ऑफिस से घर वापस आ रही थी। वो कार को ड्राइव करती हुई एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी और तभी अचानक से उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे पड़ी, जहाँ पर एक छोटा सा पपी किसी चीज़ में फंसा हुआ था। और उस छोटे से पपी को प्रॉब्लम में देखकर फातिमा से रहा नहीं गया और उसने अपनी कार को साइड में लगाया और उसके बाद वो उस पेड़ के नीचे गई। तो उसने देखा कि उस पपी का जो पैर था वो किसी चीज़ में फंस गया था और वो अपने पैर को छुड़ा नहीं पा रहा था। और वहीं उससे थोड़ी ही दूर उसकी जो माँ थी वो वहाँ पर बेबस लाचार बैठी हुई थी, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। जब फातिमा ने ये सब देखा तो उसे काफ़ी बुरा लगा और उसने उस पपी को आज़ाद कर दिया और उसके बाद वो पपी खुशी खुशी वहाँ से अपनी फैमिली के साथ चला गया। और उसके बाद फातिमा को काफ़ी अच्छा लगा और वो अपनी कार में वापस बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो अपनी कार में वापस बैठी, तभी उसने कुछ महसूस किया। उसने ऐसा महसूस किया जैसे उसके साथ साथ कार में कोई और भी बैठा हो। और फातिमा को काफ़ी अजीब सी फीलिंग आई, लेकिन फातिमा ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो अपने घर पहुंच गई। वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, ऑफिस में उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया था और उसके हाथ पैर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहे थे, इसलिए वो आते ही बेड पर लेट गई। और जैसे ही वो बेड पर लेटी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ कोई है, उसके साथ कोई बेड पर लेटा हुआ है। उसने अपने बगल में देखा तो मैट्रेस जो था वो थोड़ा सा दबा हुआ था, जैसे कोई उसके ऊपर लेटा हो। लेकिन जैसे तैसे फातिमा ने इस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर दिया और उसे लग रहा था कि शायद ये सब जो कुछ भी उसे महसूस हो रहा है वो सिर्फ उसका वहम है और इसलिए वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही थी। वो पूरे घर में अकेले रहती थी तो उसे अकेले रहने की आदत थी, लेकिन न जाने क्यों उस रात उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, उसे डर लग रहा था। उसने सोचा कि ऑफिस में जो उसने मेहनत करी है, जो काम किया है, उसकी वजह से उसे अजीब अजीब फीलिंग आ रही है, इसलिए वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली गई। और जब वो शावर ले रही थी तब उसे किसी की सांस लेने की आवाज़ आई। फातिमा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास खड़ा है और तेज तेज सांसें ले रहा है। और इस बार फातिमा को डर लगने लगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। थोड़ी ही देर बाद वो जो सांस लेने की आवाज़ थी वो बंद हो गई और फातिमा तुरंत शावर लेकर बाहर निकली और उसने कपड़े पहने। और उसे इतना तो यकीन हो गया था कि घर में बहुत कुछ अजीब है। उसने पूरे घर को अच्छी तरह से देखा और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करी, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। और जब उसने पूरे घर को छान लिया अच्छी तरह से, तब उसके दिल में एक संतुष्टि हुई और उसने सोचा कि शायद वो भी एक वहम था, इसलिए वो टीवी देखने के लिए बैठ गई। और वो एक टीवी शो देख रही थी तभी उसके कान में किसी ने आकर कहा, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो,
जैसे ही ये आवाज फातिमा ने सुनी तो उसने अपने अगल बगल देखा तो उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। तो आखिर वो आवाज आई तो आई कहां से? फातिमा ने मन ही मन सोचा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पूरा घर उसने अच्छी तरह से छानबीन करके देख लिया, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? ये जो किसी के होने का एहसास उसे बार बार हो रहा है वो क्यों हो रहा है? फातिमा की जो घबराहट थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी उसके कान में एक और आवाज आई। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और जैसे ही फातिमा ने यह आवाज सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ गई और फातिमा ने सारी बातें पुलिस को बताई और उसके बाद पुलिस ने कहा, मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपके कहने का मतलब है कि आपके कानों में आवाज आ रही है, कोई आपसे बातें कर रहा है? हाँ, अजीब अजीब बातें कह रहा है। मुझे लगता है आपने नशा किया है और आंदा से ऐसी बकवास बातों के लिए हमें फोन किया तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, समझिए आप, हमारे पास टाइम पास करने के लिए वक्त नहीं है। और फिर फातिमा के बहुत बार कहने पर पुलिस वालों ने पूरे घर की एक बार अच्छी तरह से छानबीन करी लेकिन उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। और फिर पुलिस वालों ने कहा, देखिए हमने पूरे घर को अच्छी तरह से छानबीन करके देख लिया, घर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर सो जाइए, समझिए आप, और जो कुछ भी आपने सुना होगा वो सिर्फ आपका वहम होगा, इसलिए आप आराम से सो जाइए। ये कहकर वो जो पुलिस वाले थे वो वहां से चले गए। पुलिस के समझाने पर फातिमा ने भी एक बार के लिए यकीन कर लिया लेकिन वो फिर भी घबराई हुई थी। उसे पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ भी सुना है वो सिर्फ एक वहम था। वो घबराती हुई अपने घर के अंदर गई और उसने फैसला किया कि वो चुपचाप से सो जाएगी और फिर वो अपने बेडरूम में चली गई और उसके बाद ऊपर वाले का नाम लेकर वो बेड पर लेट गई। उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी तभी अचानक से उसे कुछ अजीब अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कोई पास में लेटा हुआ है और धीरे धीरे वो फातिमा के करीब आ रहा है। तभी फातिमा को ऐसा लगा जैसे उसकी कमर पर किसी ने हाथ रखा है और जैसे ही फातिमा को ऐसा महसूस हुआ तो वो उठकर बैठ गई और अपने अगल बगल देखने लग गई तो उसे कोई नज़र नहीं आया। और फिर से उसके कानों में एक आवाज़ आई, फातिमा इतनी ज्यादा डर गई कि वो सीधा अपने घर से बाहर भाग गई और उसने इस बार पुलिस को फोन नहीं मिलाया क्योंकि उसे पता था कि अगर वो फिर से फोन मिलाएगी तो पुलिस वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। और उसके बाद फातिमा ने अपने भाई को फोन किया। फातिमा के भाई ने फोन उठाया और फातिमा से पूछा, हेलो, हाँ फातिमा, इतनी रात को फोन किया, आखिर बात क्या है? और फिर फातिमा ने कहा, भाईजान यहाँ पर बहुत डर लग रहा है मुझे, घर के अंदर काफ़ी अजीब अजीब लग रहा है, पता नहीं कान के अंदर पता नहीं कभी कभी आवाज़ें आने लगती हैं जैसे कोई बोल रहा हो, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, आप आ जाइए। जैसे ही ये बात फातिमा के भाई ने सुनी तब उसने कहा, तुम चिंता मत करना मैं अभी आ रहा हूँ। फातिमा अपने घर के बाहर ही खड़ी रही और थोड़ी देर बाद वहाँ फातिमा को जो भाई था वो आ गया। फातिमा के भाई का नाम समीर था और समीर फातिमा के घर के अंदर गया। उसने घर को
अच्छी तरह से चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। और उसके बाद समीर घर से बाहर निकला और उसने फातिमा से कहा, देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने पूरे घर को अच्छी तरह से देख लिया है, कुछ भी ऐसा गलत नहीं है वहां पर, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। और फिर फातिमा ने कहा, भाईजान मैं सच कह रही हूँ, पहले मुझे भी लगा कि मुझे कोई वहम हो रहा है, लेकिन लेकिन वहम तो एक दो बार हो सकते हैं, लेकिन इतनी बार वहम तो नहीं हो सकता ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और उसके बाद समीर ने कहा, ठीक है तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मैं यहीं पर रहता हूँ, ठीक है तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर फातिमा ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों घर के अंदर चले गए और फातिमा बेड पर सो गई और वहीं नीचे एक मैट्रेस लगाकर समीर भी वहीं पर सो गया। भाई की होने की वजह से फातिमा काफ़ी शांत हो गई थी और उसके अंदर का जो डर था वो निकल गया था, इसलिए उसे थोड़ी ही देर बाद नींद आ गई और वो सो गई। सोए हुए उसे कुछ ही वक्त हुआ था तभी अचानक से उसके कानों में फिर से वही आवाज़ आई, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें छूकर जन्नत का एहसास मिल जाता है। और फिर से फातिमा को ऐसा लगा जैसे उसकी कमर पर किसी ने हाथ लगाया है, और इस बार फातिमा चिल्लाते हुए उठी और समीर की भी आंखें खुल गई। समीर घबरा गया और समीर ने कहा, क्या हुआ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, चिल्लाई क्यों? और फिर फातिमा ने सारी बातें बताई और फिर समीर ने परेशान होकर कहा, फातिमा आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है यार, मैंने घर को अच्छी तरह से देख लिया, कोई गड़बड़ भी नहीं है, और मेरे रहते यहां पर कोई कैसे आ सकता है, मैं भी तो यहीं पर सो रहा हूं ना, और कोई है भी तो दिखाई क्यों नहीं देता? और फिर फातिमा के कानों में फिर से वही आवाज आई, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नजर नहीं आऊंगा जान। और फिर फातिमा ने घबराते हुए कहा, भाईजान भाईजान अचानक से आवाज आई है, उसने कहा है कि वो मेरे अलावा किसी को नजर नहीं आएगा। और फिर जब समीर ने यह बात सुनी तब उसका जो सर था वो दर्द होने लगा और फिर समीर ने फातिमा से कहा, देखो तुम जो कुछ भी कह रही हो मेरी समझ के तो बाहर है, और मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और फिर फातिमा ने कहा, भाईजान क्या मैं आपको पागल लग रही हूँ? और फिर समीर ने कहा, नहीं नहीं बहन ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा स्ट्रेस से, ज़्यादा वर्कलोड से, ज़्यादा टेंशन लेने से अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं और सुनाई देती हैं, तो ऐसे केसेस में डॉक्टर से सलाह लेना बेस्ट होता है, और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, समझी तुम? और उसके बाद फातिमा ने अपना सर पकड़ लिया और वो रोने लगी क्योंकि उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी समीर ने फातिमा से कहा, देखो अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। और उसके बाद समीर ने अपने घर पे फ़ोन किया और उसकी मॉम ने फ़ोन उठाया। समीर ने कहा, हेलो हाँ अम्मी, ये ना फातिमा पता नहीं क्या बोले जा रही है, शायद इसकी तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कह रही है कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन मैं भी इसी रूम में हूँ, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा और बार बार इसे किसी के होने का एहसास हो रहा है। और जैसे ही ये बात फातिमा और समीर की मॉम ने सुनी तब उन्होंने कहा, क्या तुम दोनों फटाफट घर आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, जो जैसा है वहीं पर छोड़ दो, बस तुम घर आ जाओ। और फिर समीर ने कहा,
अम्मी आप ये क्या कह रही हैं, मुझे तो लगता है कि मुझे फातिमा को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और आप कह रही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ पर आ जाएं, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। और फिर उनकी अम्मी ने कहा, मैंने तुमसे जितना कहा उतना करो, बहसबाजी मत करो, तुम यहाँ जल्दी आओ फातिमा को लेकर। और उसके बाद समीर ने फातिमा को समझाया और शांत करा, और फिर समीर ने कहा, देखो फातिमा अब हमें घर जाना होगा, अम्मी ने हमें बुलाया है और हमें वहीं पर जाना चाहिए। और फिर फातिमा ने कहा, अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो अभी हॉस्पिटल ले जा रहे थे ना। और फिर समीर ने कहा, हाँ मैं ले जा रहा था लेकिन अम्मी नहीं मान रही है, अब हमें घर ही चलना पड़ेगा। और तभी फातिमा का जो व्यवहार था वो बदलने लगा और वो घर जाने में आनाकानी करने लगी। समीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि फातिमा हर दम घर जाने के लिए तैयार रहती थी, कभी भी घर जाने से मना नहीं करती थी, लेकिन इस बार वो घर जाने के लिए मना कर रही थी और बेतुके बहाने बना रही थी। और फिर समीर ने कहा, देखो तुम्हें घर जाना है तो जाना है, चलो मेरे साथ अब। और जैसे ही फातिमा ने ये बात सुनी तब फातिमा की जो आवाज़ थी वो अचानक से ही बदल गई और फातिमा ने कहा, तो क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे, मैंने कहा ना ये कहीं नहीं जाएगी, और अगर तुमने जबरदस्ती करी तो तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, समझ गए। और जैसे ही समीर ने ये आवाज सुनी तो वो बहुत ही ज्यादा डर गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फातिमा की जो आवाज़ थी वो अचानक से बदल कैसे गई। फातिमा का जो ये बदला बदला व्यवहार था ये देखकर समीर बहुत ही ज़्यादा डर गया था, और उसके बाद उसने ज़ोर ज़बरदस्ती करने का फैसला किया, लेकिन न जाने कैसे वो फातिमा पर काबू पा ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फातिमा के अंदर न जाने कितने लोगों की ताकत आ गई थी। और बात तो तब बिगड़ गई जब घर का जो सामान था वो अपने आप हिलने लगा और घर की जो लाइटें थी वो चालू बंद होने लगी, और फातिमा ने कहा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आज से ये लड़की मेरी है और इसे मैं अपने पास रखूंगा, ये मुझे खुश करेगी, ये मुझे अब पसंद आ गई है, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो निकल जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, समझे तुम। समीर घबराते हुए घर से बाहर निकल गया और उसने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। और फिर जब ये बात उन सभी ने सुनी तब उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उधर आ रहे हैं, तुम घबराने नहीं, लेकिन घर के अंदर मत जाना, घर के अंदर कुछ भी हो सकता है। समीर डर कर बाहर ही खड़ा रहा, और थोड़ी देर बाद एक कार के अंदर समीर के माता पिता, थोड़ी देर बाद कार के अंदर समीर और फातिमा के जो माता पिता थे वो आए, और वो अपने साथ किसी को लेकर आए थे। और जैसे ही वो कार से उतरे वो सीधा घर के अंदर घुस गए, और वो घर के अंदर किसी पानी का छिड़काव करने लगे, और जैसे जैसे वो पानी का छिड़काव कर रहे थे वैसे वैसे घर की जो चीज़ें थी वो हिलने लगी, और वो जो फातिमा थी वो भी चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने से ही पूरा जो घर का सामान था वो इधर उधर गिरने लगा, और फातिमा ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जा वरना वरना ये लड़की जान से जाएगी। और फिर वो जो आदमी थे उन्होंने कहा, बता
कौन है तू और इस लड़की के ऊपर कैसे आया? और फिर वो जो कोई भी था उसने चिल्लाते हुए कहा, नहीं बताऊंगा, जो करना है वो कर ले, तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने, समझा? जैसे ही ये बात उस बुरी शक्ति ने कही, वैसे ही वो जो आदमी थे उन्होंने फिर से एक जल का जो छिड़काव था वो फातिमा के ऊपर किया और वो जो बुरी शक्ति थी वो चिल्लाने लगी और काफ़ी देर तक उसने मुंह नहीं खोला और तभी अचानक से उसने कहा, बताता हूँ रात के वक्त ये एक पेड़ के नीचे आई थी, उसी पेड़ के ऊपर मैं बैठा हुआ था और ये मुझे पसंद आ गई, इसलिए मैं इसके साथ इसके घर तक आ गया और अब मैं इसी के साथ रहूंगा, ये मुझे खुश करेगी। और जैसे ही ये बात उन आदमी ने सुनी तो उन्होंने कुछ स्पेल कास्ट करने शुरू कर दिए और उसके बाद फातिमा बहुत जोरों से चिल्लाने लगी। काफी देर तक ऐसा चलता रहा और अचानक से फातिमा गिरकर बेहोश हो गई। वो जो आदमी थे उन्होंने पूरे घर में पवित्र जल का जो छिड़काव था वो किया और उसके बाद सुबह सुबह फातिमा की जो आंखें थी वो खुली। फातिमा ने कहा, अम्मी अबू ये सर बहुत भारी भारी लग रहा है, और ये घर की हालत ऐसे कैसे हुई? और फिर समीर ने कहा, जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, रात के वक्त किसी भी वीरान सुनसान जगह पर मत जाना, समझी? तुम एक पेड़ के नीचे गई थी ना सुनसान वीरान जगह पर। और फिर फातिमा ने कहा, आपको कैसे पता? और फिर समीर ने कहा, मुझे बस पता चल गया है, आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। उस दिन के बाद से फातिमा फिर से नॉर्मल हो गई और उसे कोई भी बुरी चीज दिखाई नहीं दी और ना ही कभी महसूस हुई।